गुरुवार को अफगानिस्तान में आतंकियों ने एक मलाला मेहमद नाम की टीवी एंकर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हमला उनकी कार पर किया गया जब वो ऑफिस जा रही थी। इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। जानकारी के मुताबिक हमले में मलाला का ड्राइवर भी मारा गया। बता दें कि मलाला एक टीवी और रेडियो पत्रकार थी। वो एक कार्यकर्ता भी थी जो अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के हक में आवाज उठाती रहती थी। मलाला के बाद अफगानिस्तान में इस साल कुल 10 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि मलाला की मां भी एक एक्टिविस्ट थी जिनकी 5 साल पहले कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मलाला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर फूट रहा है। पत्रकार से लेकर सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मलाला की हत्या की निंदा करते हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान की मिट्टी सालों से युद्ध की गवाह रही है। वो एक बहादुर महिला थी। उनकी हत्या के बाद लोग अफगानिस्तान में पत्रकारिता को खतरा बता रहे हैं। लोग मलाला के साथ मारे गए उनके ड्राइवर मोहम्मद ताहिर के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं।